चूतिया बना सबके सामने साला। गुरु नारायण मेरे को मारने को आया, पर इधर क्या बिल्कुल चुप बैठे रहने का, क्योंकि ऐसा बाऊ बोला मेरे को। साला छोकरा लोग मेरे ऊपर हंसेगा, बोलेगा ए बिक्कू बड़वा साला, ए बिक्कू हसी। अब ये ऐसे ही करने गया क्योंकि भाव बोला मेरे को। तो भाव की बात सुनने की जरूरत क्या है बिक्कू? भाव सिर्फ अपना फायदा देख रहा है, उसे किसी की परवाह नहीं है। सिर्फ इलेक्शन में जीतने के लिए तेरी जरूरत है। अगर वो अपने फायदे की सोच रहा है तो तू क्यों नहीं सोच सकता? तुझे क्या लगता है, भाव की बात सुनकर गुरु नारायण चुप रहेगा? देखो, अपने धंधे में वही जीतता है जो पहला हाथ मारता है। गुरु नारायण भिक्कू तेरे बीच में नहीं आएगा, भिक्कू तू भी गुरु नारायण के बीच में मत जा, लेकिन तूने गुरु नारायण को मार दिया। भाव सिर्फ अपना फायदा देख रहा है। इसका मतलब है तू भाव का बात को मानता ही नहीं। किसको यकीन है, तू मेरे को बता ना, गुरु उसकी बात पे यकीन करता क्या? किधर है रे तू? हाथ मिला लेता भिक्कू, साला साथ में दारू पिया है तुम लोग, एक ही आइटम बजा है, कहां गया सब कुछ? कैसे हो गया रे एकदम तेरे आंख में गुरु नारायण का कांटा अंदर तक घुस गया? पुराना वक्त को याद करने का था मारने से पहले। पुराना वक्त की बात मत कर, पुराना वक्त पुराना हो गया बस। नासिक में उसके लिए मैं गोली खाया था, उसको बचाने के लिए याद है तेरे को अपनी पीठ में? दिखाऊं क्या तेरे को अपना जख्म? हैं, दिखाऊं क्या मैं तेरे को अपना जख्म? साला इधर बैठ के मेरे से बहस कर रहा, अभी मैं इधर नहीं करता ना,
तो तू यही बहस गुरु नारायण के घर में बैठ के कर रहा होता मेरे बारे में। बता इसको सब। अभी इधर कोई किसी का नहीं है, मैं या वो कोई एक ही रहता है, वो गया मैं है बस खलास। हेलो। हाँ विद्या। बिकू तू अपन का धंधा नहीं जानता। हाँ तू जानना समझ तो। एक गया अपन के धंधे में तो सब जाएगा। पब्लिक में पैनिक फैला हुआ है और हम हैं कि इसे अंडरवर्ल्ड की आपसी दुश्मनी कहकर टालते आ रहे हैं। नो मिस्टर शर्मा नो, मुझे इस कमिश्नर का लेट बैक एटीट्यूड कतई पसंद नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है कि अपने काम को सही अंजाम नहीं दे पा रहा है। आई थिंक विल हैव टू मेक सम चेंजेस। एक टोमेटो सूप। जी मैडम। तुम क्या लोगे? कुछ भी। और एक कुछ भी। अच्छा ऐसे कीजिए, सेम लाइन। जी मैडम। मैं यहाँ तुम्हारे सामने बैठी हूँ, तुम पेपर में डूबे हुए हो। कुछ बहुत इम्पोर्टेंट है क्या? तुमसे ज्यादा नहीं और ना हो सकता। सत्या, तुमने कभी बताया नहीं क्या अपने बारे में, कहाँ के हो, अपनी फैमिली के बारे में? क्या बात है सत्या? विद्या, मैं तुम्हें कभी बता नहीं पाया। मैं अनाथ हूँ। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया, जाने तुम क्या सोचती मेरे बारे में। सत्या, इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता सत्या। मैं ऐसे ही पूछ रही थी। मैं तुमसे प्यार करती हूँ सत्या। I love you. क्या देख रहे हैं? कुछ बोलो ना। तू किधर था? किधर था तू साला? क्या हुआ? क्या हुआ? चार दिन से साला चूतियों के मामले के जीरो को ढूंढ रहा है और हीरो पूछता है क्या हुआ, किधर था तू? क्या यार इतनी सी बात को? मैं विद्या के साथ खंडाला गया था। खंडाला गया था? हम लोग चूतियों के मामले के जीरो को खोज रहे हैं, हीरो कहाँ गया है? खंडाला। ए, तेरे को मरने का है क्या? अरे क्या हुआ? ए, तेरे को पता है ना भाव हम सबको खोज रहा है। छोड़ यार, मैं संभाल सकता हूँ अपने आप को। भाव को मैं इतने से जानता है। अगर वो चुप बैठा इसका मतलब ये नहीं कि भड़वा है, वो छोड़ देगा तेरे को। मेरी बात ध्यान से सुन, आगे बिना बताए इधर से नहीं हिलने का। क्या नहीं हिलेगा तू? अरे सुन ना, आइंदा ऐसा नहीं होगा, माफ करना। ठीक है? माफ करना? इधर अड़ा 50 फोन कर रहा है बाबू के बजाय कुरला की तरफ। चंद्र गया वो तेरी हमारी करने, सब तेरे नौकर बैठे हुए। छोड़ ना, गलती हो गई। अभी से नहीं करूंगा, माफ कर दो। जाके खंडाला बैठ गया, आगे जाके दुबई बैठ। अरे गलती हो गई यार। भिकू तेरे से काम था। अभी क्या है? विद्या को एक तोहफा खरीदना है। मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या खरीदूं। ये देख सारे को, चार दिन से साला मैं घर नहीं गया, अपनी अपनी बीवी के पास नहीं गया। हीरो आता, हीरो आके क्या बोलता है मेरे को, देखो एक तोहफा खरीद दे मेरी गर्लफ्रेंड के लिए। तेरी गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, मेरी बीवी मेरी बीवी नहीं है। यही ना, मेरी प्यारी नहीं है। और तोहफा मैं क्या खरीदेगा, इसके लिए तोहफा लेने गया था, कंघी लेके आया था साले।